डायनेस्टी वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, और इसलिए माना जाता है कि क्योंकि ये एक राज्य का ऑफिसर हुआ करता था और उसी कम्युनिटी को बिलोंग करता था, इसलिए इस डायनेस्टी का ही नाम रख दिया गया राष्ट्रकूट डायनेस्टी या राष्ट्रकूट साम्राज्य। आउट ऑफ मेनी रूलर्स गोविंद थ्री वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग, और जितने भी राष्ट्रकूट राजा हुए उनमें से सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है गोविंद थर्ड को। और आठवीं शताब्दी में इन द 8th सेंचुरी ही एस्टैब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन, और डेक्कन रीजन में जो है इनका बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था अंडर द लीडरशिप ऑफ गोविंद थ्री। नाउ द पांड्यास दे ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया, और पांड्य साम्राज्य या पांड्या साम्राज्य जो है वो भी रूल करता था साउथ इंडिया पे। द पांड्या डायनेस्टी इज बिलीव टू बी वेरी एंशियंट, और माना जाता है कि लगभग सबसे पुराना जो साम्राज्य जो है साउथ इंडिया पे रूल करने वाला वो है पांड्या डायनेस्टी। और ये हमें पता चलती है मेगास्थिनिस जो ग्रीक ट्रेवलर था, जो ग्रीस से आया हुआ एक यात्री था मेगास्थिनिस, उसने लिखा है कि फीमेल्स यूज टू रूल इन दिस कम्युनिटी, और इसमें जो महिलाएं जो थी वो भी रूल किया करती थी ये पांड्या डायनेस्टी में। और इसका सबूत हमें एक और है जो इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोक ऑल्सो कंटेन्स रेफरेंस टू द पांड्यास, और पांड्या डायनेस्टी के बारे में हमें जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेखों से, जो सम्राट अशोक ने इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे उनमें भी पांड्या डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। और पांड्या डायनेस्टी रूल करती थी इस समय के तमिलनाडु स्टेट को। नाउ द लास्ट वन दैट इज चेरा डायनेस्टी, द चेरास ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया और ओवर साउथ इंडिया। चेरा जो है डायनेस्टी वो रूल किया करती थी साउथ इंडिया पे, और चेरा जो है ये पुराना नाम था अभी के केरल स्टेट का। और केरला जो है इट वॉज अ पार्ट ऑफ द तमिल स्टेट, लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट सेपरेटेड, और बाद में केरल और मलयालम को अलग कर दिया गया। केपाल पुत्र राज इज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, और अशोका के अभिलेखों में या इंस्क्रिप्शन में इस राज्य का भी हमें उल्लेख मिलता है। और इसका सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था अथन सेकेंड, ही वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और चेरन सेतुंगम वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, और चेरा डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है चेरन को। सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर, वी हैव कवर्ड अबाउट बोथ द किंगडम्स, दैट इज किंगडम्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड किंगडम ऑफ साउदर्न इंडिया।